तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अपने रूम पर पार्टी कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत दिन बाद इस रूम पे बहुत दिन बाद हम लोग आज पार्टी मना रहे हैं क्योंकि हम हैं, हमारे उबैद भाई हैं, एक आदमी और है, उनको तो नाम बता दे रहा हूँ लेकिन उनसे मुलाकात कराऊंगा कब, खाने के टाइम पर, क्योंकि अभी नहीं है मैं रूम पे। तो चलिए दोस्तों मैं उबैद भाई के पास में चल रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं किचन में भाई। A few moments later. भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, तो आप कैसे हैं भाई? जी बढ़िया भैया, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ सर। सर क्या बना रहे हैं उस टाइम से? देखिए सर, ये देसी चिकन बन रहा है। जी ये देसी चिकन है। हाँ। इसको हम लोग अपना खाने के लिए, पार्टी करने के लिए बना रहे हैं। ये चिकन कौन सा चिकन है, देसी है कि हिंदी है? ये देसी चिकन है। जी दोस्तों, चिकन तो बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत से उबाले हैं गर्म पानी कर। अभी देख रहे हैं तेल चढ़ा दिए कढ़ाई पे, तो देखते हैं पूरा ये मटेरियल रखे हैं। थोड़ा हम भी थोड़ा हाथ बटा देते हैं उबैद भाई के साथ में, डाल रहे हैं प्याज। लग रहा है कि हेलमेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत याद जल गया, क्योंकि हम लोग का आदत नहीं है खाना बनाने के लिए, फिर भी बना रहे हैं, क्या करें, इंजॉय करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग का किचन यही है क्योंकि बहुत दिन बाद इस रूम पर हम हैं, फर्स्ट बार ही बना रहे हैं। आज चिकन का पार्टी चलेगा क्योंकि आज लोग हम बहुत खुश हैं। आज उबैद भाई आप तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? इतना बना रहे लाजार में बोल रहे हैं कि मैं थोड़े घर का वाइफ हूँ आपको कि मैं सब काम करूंगा। मैं बोले ऐसा बात थोड़े दोस्त में होता है यार। 10 किलोमीटर से जाके भाई साहब ये देसी चिकन हम लोग लेके आए थे हाथ से। हाँ ये तो बात सही बोल रहे हैं क्योंकि आज बड़ी मेहनत हुआ खाना खाने में। आप जब इतना मेहनत किया भाई साहब, कोई भी अगर आप लोग भी इतना मेहनत कीजिएगा तब तो खाने में आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा। अरे उबैद भाई तो बड़ी आज कंजूसी कर रहे हैं गैस में यार, गैस भरवा कर लाए हैं। गैस का समझ आज ही उद्घाटन हुआ है क्योंकि जब से ये गैस आया है आज तक इसमें कुछ बना ही नहीं है, आज भरवाना है और चल रहा है। देख लिए दोस्तों, देख लीजिए आज तो चिकन खाने में बहुत मजा आएगा। हम तो फर्स्ट बार बना रहे हैं हम भी साथ में लेकिन आज तक कभी नहीं बनाया हो खाना लाइन में, कभी नहीं बनाया क्योंकि 1 जनवरी में जो हम लोग जा रहे थे कभी कहीं पिकनिक मनाने तो हम लोग कभी कभी हाथ बटा कर बना देते थे, लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट बार हम लोग खाना बना रहे हैं दोस्तों। यही हम लोग का किचन है दोस्तों, आप देख सकते हैं यही किचन है हम लोग का, दूसरा किचन नहीं है। ये हम लोगों का रूम है, आज बड़ी मेहनत हुआ है रूम में क्योंकि पूरा सफाई हुआ है रूम क्योंकि आज पार्टी हो रहा है ना। वे भाई बड़ी जोर शोर से काम चल रहा है इनका, मेहनत तो आदमी लग रहे हैं, मेहनती आदमी लग रहे हैं। अब वे भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार। देख सकते हैं दोस्तों कितना मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आज लग रहा है उबैद भाई को आज बड़ी तेज भूख लगा है तो नहीं लगा लेकिन खाने का जी कर रहा है, इसलिए देसी मुर्गा भाई साहब ये इधर तो मिला नहीं, हम लोग पूरे इधर ढूंढे नहीं मिला तो 10 किलोमीटर दूर से जाके लाए हैं भाई साहब, क्योंकि इस शाहीन बाग दिल्ली में वो देसी नहीं मिलता है कि नहीं? नहीं नहीं मिलता है क्योंकि वो क्या बोलता है उस वो मुर्गा क्या बोलते हैं, पोल्ट्री वाली मुर्गा होती है, पोल्ट्री, हाँ पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म का होता है क्योंकि देसी का खाने का मजे कुछ और है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों चिकन है क्योंकि 3 किलो 300 ग्राम में यही चिकन निकला है क्योंकि पूरा वो बनवाए थे हम लोग,
तो क्या बोला जाता है उसमें का पूरा मटेरियल निकाल के यही चिकन बचा है हम लोगों का। बस खूब से खूब होगा तो साढ़े तीन क्या बोलते हैं ढाई के जी होगा, ढाई के जी हो जाएगा। लेकिन ढाई के जी खाने में तीन आदमी हम लोग हैं, एक आदमी नहीं है रूम पे, गए हैं बाहर, लेकिन आएंगे तो उनसे भी मिलवाऊंगा क्योंकि वो घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हम लोग फट रहे हैं, खाने के लिए दिल तड़प रहा है उनको भी। देख सकते हैं दोस्तों चिकन डला गया है, लोग तेजी में गुस्सा में घुमा रहे हैं। उबे तो क्यों गुस्सा है आप? नहीं गुस्सा नहीं है भाई साहब। नहीं हमको तो लग रहा है कि कोई यार इतना तेजी में बुझा रखे उससे मार कर रहे हैं, जैसे मार कर रहे हैं थे लोग उसी तरह आप इस हड़िया को हिला रहे हैं। देखिए देख लीजिए, साफी तो नहीं मिला लेकिन मेरा शॉट मिल गया उबेद भाई को। ये गलत बात है यार, मेरा शॉट आप खत्म कर दिए हैं। देख सकते हैं बनता है तो मतलब जो भी है पकाने के लिए वो सामान होती है। नहीं नहीं पर एक बात बताइए, क्या मेरा शॉट ही मिला आपको? यार लग रहा है जितना बाबू ना उतना झुंझुन ना आ जाएगा, जितना का चिकन नहीं उतना शॉट आप खराब कर दिए, क्या हो गया भाई? तो दोस्तों किचन में चिकन बन रहा है, बन रहा है तो मैं भी सोचा हूँ कि खड़ा खड़ा मेरा गोड़ दुखा गया, तो मैं भी सोचा कि चलो मैं आराम थोड़ा कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनते रहिएगा, मैं जब तक नहीं खाऊंगा जब तक आप लोगों का पूरा अपडेट देते रहूँगा। लेकिन चिकन बन रहा है, उबेद भाई गए हैं बाहर कुछ सामान लाने के लिए, ठंडा लाने गए हैं क्योंकि ठंडा ही करता है, इसलिए ठंडा तो भेजे हैं उनको लाने के लिए। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनते रहिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से पूरा इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना भूलें दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपको, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं बहुत वीडियो शौक से बनाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है दोस्तों। ऐसा कीजिए कि मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए।